झाड़माजरी में नाई की दुकान में दुकान के मालिक व एक व्यक्ति की आपस में झड़प हो गई, जिस दौरान दुकान मालिक ने कैंची से दूसरे व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके उपरांत कुछ लोगों ने बीच बचाव करके घायल व्यक्ति को झाड़माजरी के निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति ने अस्पताल में गोली चला दी जिससे तीन व्यक्ति घायल हो गए। एसपी बद्दी रानी बिंदु सचदेवा ने पुष्टि करते हुए बताया कि हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान पंजाब पुलिस के कांस्टेबल के रूप में हुई है, जिसको उसके सर्विस रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आप कुछ बताएंगे? हाँ, एक झगड़ा हुआ, बार्बर है सलमान नाम, उसके पास एक लड़का शाहरुख नाम से काम करते हैं, ये यूपी के रहने वाले हैं, और इनका कुछ पैसे के लेन देन के ऊपर आपसी बातचीत हुई दुकान में, जिसके ऊपर सलमान ने शाहरुख नाम का लड़का है इसको कैंची मार दी, इसके ऊपर इसको थोड़ी इंजरी हुई, जिसके ऊपर कुछ लोग इनके आसपास की दुकान के जो रहते हैं वो हॉस्पिटल ले गए, ब्रुकलिन हॉस्पिटल है ब्रुकलिन वाला, और उसके कुछ देर के बाद वहाँ हॉस्पिटल में 5-6 लोग आए, जिनके साथ उन लड़कों की बहस हो गई जो इसको हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो वो उनको अंदर जाने से रोक रहे थे, उसके ऊपर उनकी कुछ बहस बसाई हुई और उस दौरान एक लड़के ने फायर कर दिया, तो वो ट्रेस आउट हो गया हुआ है, तो फायर किया है वो पंजाब पुलिस का कॉन्स्टेबल, उसको मेडिकल मैम रेस्ट हो गए वो? हाँ, मेंटेन कर दिया गया है, कुछ मामला जो रात आया उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? तकरीबन 10 बजे के आसपास रात को मोहम्मद सरूफ नामक युवक को उसके कुछ साथी घायल अवस्था में लेके आए थे, इसके ऊपर तथाकथित तौर पर उसके साथी सलमान ने कैंची से वार किया था, तो थोड़ा गांव से खून बह रहा था और हम लोगों ने उसको इमरजेंसी में एकदम से लिया और उसका प्राथमिक उपचार कर रहे थे, तो बाहर से कुछ झगड़े की आवाज़ें आने शुरू हुई। हम आपका सर ये कैसे हुआ? सर ये मेरा हुक्म आप कैंची मारी बंधन से सर का नाम क्या है? सर ये कैसे हुआ? सर मैं छोटा भाई को देखने के लिए रहा था, अब कर ही रहा था, मैं यहाँ से पाती हूँ। कहाँ से हैं आप? नगर से। अच्छा, तो ये कितने बजे हुआ जी होगा? ये 9:30 बजे। कितने लोग थे वो? वो एक ही था। अच्छा, आपकी उनसे कोई पहले रंजिश? नहीं, कुछ नहीं थी, वो सुंदर पता नहीं एकदम धोखे से मारा, मैं काम कर रहा था ना तो धोखे से मारा उसने। अच्छा, तो इसकी कितने पैसे छीने? 80,000 थे। इसकी कंप्लेंट की आपने अभी? जी हाँ, की कंप्लेंट। अच्छा, और मेरा भाई बोल रहे थे कल यहाँ से उपाय जमा दी, तो मुझे पता नहीं आप, और मेरे पे बोलने तुमने दवाई कराना। तो अभी सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से चाहता हूँ तो मैं अपना घर चला। बद्दी से आदित्य कुमार के साथ अनवर हुसैन की रिपोर्ट।